खरगोन नर्मदा उद्वहन योजना के पीपरी तालाब को पूर्व विधायक बालकृष्ण पाटीदार के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। उनके समर्थक मानते हैं कि यह तालाब उनके विधायक काल की जनता को दी गई एक बड़ी देन है। इस योजना से क्षेत्र के हजारों किसानों सहित गर्मी में पेयजल समस्या से जूझते कई गाँवों को पीने का पानी आसानी से उपलब्ध हो पाया है। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट इसी विषय से जुड़ी हुई है, जिसमें ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दिनेश दसोंदी ने तैयार किया है। तो आइए देखते हैं लोगों की क्या राय है इस विषय पर। उम्मीद है उन प्यासे कंठों की जिन गांवों को यहां से पेयजल का पानी मिल रहा है, उम्मीद है उन भविष्य को सोचने वाले युवाओं की जो टकटकी लगाए बैठे हैं कि इनसे कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होगा, उम्मीद है उन हजारों लाखों परिंदों की जो हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। इस जलाशय को, इस तालाब को बालकृष्ण पाटीदार की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। माना जाता है कि भाजपा कार्यकाल में उनके विधायक कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसको लेकर हमारे साथ कुछ उनके समर्थक जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? गिरीश पाटीदार। बताते हैं कि ये दादा की, मतलब बालकृष्ण पाटीदार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ। क्या कहेंगे इस पर? वैसे सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी तालाब है, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। 400 के आसपास उन्होंने धर्मशाला बनाई है, लेकिन ये जो मुख्य है अपना पूरा बेल्ट है कृषि पर आधारित है, और इस बेल्ट में पूरा यहाँ से वहाँ तक सूखा पहले था। मैं मेरे गाँव पीपरी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसके पहले 2500 एकड़ पूरे गांव की लगभग ज़मीन है। 2500 में 100 एकड़ में गेहूँ या जो रबी की फसल बोई जाती थी, क्योंकि पानी की बहुत कमी थी। आज इस 4 साल के तालाब में पानी फुल भरने से यहाँ पे पीपरी में 2500 एकड़ पूरी ज़मीन में डालर, चने, मिर्ची, कपास सब की खेती हो रही है, और पानी इतना है कि लोगों को, मतलब खेतों के आसपास भरा, पानी की कोई कमी नहीं, पर्याप्त पानी। आप कहाँ से? गोटिया से। क्या नाम लिखता है? मायाराम पाटीदार। मायाराम पाटीदार। कहते हैं बालकृष्ण पाटीदार की सबसे बड़ी उपलब्धि, क्या कहेंगे इस पर? इसमें यह कहेंगे कि आज के 10 साल पहले हमारे इधर कुछ नहर थी, जो भी उस क्षेत्र में थी, हमारे इधर कुछ नहीं थी। उनकी उपलब्धि यही है कि सबसे पहले वो, मतलब विधायक बने तो हमारे 57 गाँव जो भी उनकी विधानसभा के आते हैं उनमें सबसे पहले उन्होंने धर्मशाला बनाई प्रत्येक गाँव में, वहीं सा गाँव नहीं छूटा। उसके बाद उन्होंने ये निर्माण किया कि, मतलब ये लहर हमारे इधर थी नहीं, उन्होंने अधिक प्रयास करने के बाद हमारे 57 गाँव को उन्होंने सिंचित किया है। मतलब आपके एरिया को नहर का लाभ नहीं मिल रहा था, तो किधर जाती थी नहरें? ये लहरें उधर कसाव साइड। अच्छा। जब भी कांग्रेस की सरकार थी इधर आई थी तो इन्होंने उधर भगा दी। अच्छा। उनके क्षेत्र में ले गए। मतलब बालकृष्ण पाटीदार के आने के बाद आप लोगों को ये लाभ मिला है। आप कहाँ से हैं? मैं सर गोटिया से। गोटिया से। क्या नाम लिखते हैं? सुरेश पाटीदार। हाँ। इसको बालकृष्ण पाटीदार की बड़ी उपलब्धि मानते हैं, क्या कहेंगे इस पर? इसमें बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इस ज़िले में, खरगोन ज़िले के अगर इधर देखें हमारे, जैसे घोटिया पिपरी की इधर के 25-40 गांव हैं, इधर तो पेयजल की व्यवस्था भी नहीं थी, खेतों की, मतलब कृषि के माध्यम से अगर लगाएं वो तो पानी था ही नहीं, लेकिन पीने का भी नहीं पानी था। आज ये तालाब से सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह हो गई कि हर घर में पीने का पानी मिल गया। कुछ जगह मतलब काम रह गया तो ये तो प्रशासन की कमी थी या कुछ कारण हो गया, लेकिन अगर दादा नहीं होते तो यहाँ पे ना तो बांध था ना पानी था। तो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि है तो ये बालकृष्ण दादाजी की देन है कि हमको पीने को पानी मिल रहा है और सिंचित करने के लिए हम गेहूँ चने भी पका रहे हैं। आप कहाँ से हैं? ऊन से। डॉक्टर राजेश पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार की इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, क्या कहेंगे? आपको, आपके ऊन को क्या फ़ायदा हुआ है? ऊन में तो पहले जो पानी की समस्या थी वो तो 15-20 रोज में नल आते थे और फरवरी मार्च में एंड हो जाता था पानी, और कई कुओं से इकट्ठा करके लाते थे, फिर उसके बाद भी मतलब पानी, पेयजल समस्या बनी रहती थी। तो फिर दादा के, इनके दादा के यहाँ से लाइन, अपन ने पिछले साल, अब 2-3 साल से यहाँ से जुड़वाई लाइन, वो लाइन से उपलब्ध ये नर्मदा योजना का जल ही अभी फिलहाल वहाँ मिल रहा है, और हर तीसरे रोज पानी मतलब उपलब्ध हो रहा है। हाँ, मतलब पहले 15 दिन में पानी आते थे, अब आपको तीसरे दिन मिलने लगा। तीसरा दिन मिल रहा है, और पहले क्या वो 24 घंटा लाइट भी नहीं थी मुंशी तालाब पे, वो उसकी व्यवस्था भी दादा और सांसद मिल के दोनों, उनकी योजना में ही आता है। इस तालाब से आपको उनको भी फायदा हुआ है? उनको बहुत फायदा है, पानी पेयजल व्यवस्था और सारी सिंचाई आसपास जो भी है ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता हुई, नहीं तो पानी की बहुत किल्लत थी, दिक्कत थी वहाँ पर। ताकि इन अलग अलग समर्थकों ने, अलग अलग गांव से आए समर्थकों का कहना है कि बालकृष्ण पाटीदार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब इनसे पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या हालात रहेंगे, किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में गिरीश जी किसकी सरकार बनेगी, कौन दाव खेलेगा?
वैसे पूरी की पूरी संभावना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की है, और उसका एक मुख्य कारण है कि जो अभी की संवेदनशील सरकार, जिसके मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा अभी फिलहाल जो महिलाओं के लिए भी 1000 रुपये प्रति माह की योजना स्टार्ट की है, इसके पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलती थी उनकी, कन्यादान योजना चल रही है, तीर्थ दर्शन योजना चल रही है, उनकी इतनी जन कल्याणकारी योजनाएँ चल रही है। ये कांग्रेस ने पिछली बार थोड़ी सी भ्रम की स्थिति फैला रखी थी कर्ज माफ़ी की, जो इस बार कर्ज माफ़ी पे लोग उन पर विश्वास इस बार भी वो कह रहे हैं कर्ज माफ़ी करेंगे, 1500 रुपये देंगे, गैस टंकी 500 रुपये में करेंगे, क्या रहेगा, लोग विश्वास करेंगे उन पर? लोग जनता अगली बार इन्होंने छलावा करके सरकार बना ली, लेकिन इस बार उन पर विश्वास इसलिए नहीं किया जाएगा, उन्होंने किसी का कोई कर्ज माफ़ नहीं किया। पिछले बार के चुनाव में बालकृष्ण जी की हार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है किसान कर्ज माफी को, इस बार भी कांग्रेस कह रही कर्ज माफी करेंगे, लोग उन पर विश्वास करेंगे क्या? आदमी एक बार विश्वास करता है, डबल थोड़ी करता है, एक बार चाहे जो ईमानदारी हो कि बेईमान आदमी हो, फिर भी वो मतलब विश्वास करना पड़ता है। इन्होंने किसानों को मतलब चूतिया बनाकर सरकार तो बना ली पर चला नहीं पाए, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं पहली चलती थी, बहुत सारी योजनाएं, संबल योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, मतलब कि ब्याज ऋण मुक्त माफ है। अभी आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, किसके साथ? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री में आप किसको देखना चाहेंगे? ऐसा सुनने में आया कि शिवराज सिंह को बदला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, शिवराज सिंह किसानों के हित के शिवराज सिंह जी रहेंगे। बालकृष्ण पाटीदार की सबसे बड़ी हार का कारण था किसान कर्ज माफी, किसान आप जैसे कह रहे हैं इन्होंने कहा कि झांसे में आ गए थे, अब भी किसानों के कर्ज माफी की बात कांग्रेस कह रही है, क्या रहेगा इसका जमीन के ऊपर? देखो आप, कांग्रेस के पास तो और कोई मुद्दा है नहीं, उनका तो सीधा गणित यही है कि पहली बार भी कर्जा माफ़ी का बोल के ना किसानों को धोखे में डाल दिया, इस बार भी उन्होंने यही फंडा लगाया है, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इनकी हर बार और हर बात मानेंगे, इस बार इनकी कोई बात नहीं मानेगा और भाजपा की ही सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। खरगोन में कौन रहेगा विधायक के रूप में, आप किसको पहली पसंद मानते हैं? मैं तो मेरे व्यक्तिगत भी मानता हूँ और सारी जनता की ओर से भी पूरा, ये तो खरगोन तहसील के भी अगर बात करें तो दादा के अलावा, दादा मतलब कौन? बालकृष्ण जी पाटीदार, इनके अलावा MLA पद के लिए कोई अगर निर्धारित होता है तो वो हमारे निमाड़ के लिए, हमारे खरगोन जिले के लिए दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा। मतलब बालकृष्ण पाटीदार पहली पसंद होंगे जी। खरगोन के लिए आप किसको पहली पसंद मानते हैं? बालकृष्ण पाटीदार। बालकृष्ण पाटीदार, ऐसे कौन से काम किए बालकृष्ण पाटीदार जी ने जो आप उन्हें इतना पसंद करते हैं? उनकी योजना सब अनगिनत है, समाज सेवा, जनहित, और जो भी मतलब पद पे रहे नहीं रहे फिर भी सब सारे कार्य वो करते रहे हैं, और आज भी जो सब काम उनकी देन है, सब जो भी कर रहे हैं ना, कार्य विकास कार्य है, जो भी योजना उन्होंने दी है, धर्मशाला जो निर्माण किया, 400 धर्मशाला। मतलब आप मानते हैं कि बालकृष्ण पाटीदार जी को टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो जीत आप दिलाओगे, आप लोग प्रयास करोगे? जनता पार्टी की जीत होगी, मानते हैं? बराबर होगी, क्यों नहीं होगी, इतनी ईमानदारी है पार्टी के पास तो फिर क्यों नहीं होगी। इन्होंने तो 15 महीने दिखा दिए कितनी बेईमानी थी, 70 साल में कुछ किया नहीं, 15 महीने आए फिर भी नहीं कुछ किया, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, किसानों को चूतिया बना दिया, 2.5 साल में मतलब हमारा कर्जा बढ़ गया, ओडी हो गए किसान, ओडी हो गए। आज देखो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मतलब हमको वापस नील किया है कि किसानों को राहत दी ना और किसानों के खाते चालू करवाए। हमारे इस प्रसारण को बालकृष्ण पाटीदार जी भी देखेंगे, तो आप बालकृष्ण पाटीदार जी को धन्यवाद स्वरूप क्या कहना चाहेंगे? उसको बहुत बहुत बधाई देंगे हमारे किसानों की तरफ से कि उन्होंने हमारे जो पूरे विधानसभा में बहुत अच्छा काम किया है, ना तो उन पर आज तक कोई क्लेम लगा हुआ है, ऐसा नेता छविदार है नहीं खरगोन के अंदर कि उन पर कोई भी दाग हो, पर इन पे दाग भी नहीं है आज तक, नहीं बेदाग छवि। दादा से यही कहना चाहेंगे कि दादा तुम निश्चिंत रहो, सिर्फ तुम ऊपर से टिकट लाओ, जिताने का काम हमारा है, 101% जिता के देंगे हम, यही हमारा कर्तव्य है और यही पूरा करेंगे। आज की इस रिपोर्ट में हमने जानने का प्रयास किया है कि इस पिपरी उद्वन तालाब से लोगों का किस तरह से विचार जुड़ा हुआ है, लोगों ने अपनी बातें रखी, कुछ पिपरी के थे, कुछ घोटाओं के थे, कुछ ऊन के थे, सभी ने अपनी अपनी बात रखी और बालकृष्ण पाटीदार का इसके लिए बहुत बड़ा योगदान भी बताया है। आगे एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसौंधी, SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।